नमस्कार, आइए आपके हाथ पर प्रकाश डालें। सबसे पहले आपकी उंगली के बारे में बात कर लें, कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और बिल्कुल सूर्य के पहले पर्व तक पहुंच गई है। सूर्य के पहले पर्व तक कनिष्ठा उंगली पहुंच जाए तो व्यक्ति अपने ज्ञान की योजनाओं के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करता है। नंबर एक। नंबर दो, व्यक्ति अपने जीवन के अंदर निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि उसकी याददाश्त अच्छी रहती है, वह अपने फैसले सही लेता है, दूसरों को सही सलाह भी देता है, और जिसको सलाह देता है वो भी जीवन में तरक्की कर जाता है। तो कुल मिलाकर के अच्छी भौतिक स्थिति को विचारने वाली आपकी उंगली आपके पास विराजमान है। यहाँ बात कर लेता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और यहाँ पर सूर्य की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के चलने के साथ इस बात को बताती है कि आप कोई ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के व्यक्ति नहीं हैं। यदि आपको कोई नुकसान होता दिखाई देता है या कोई बात आपको स्वयं गलत लगती है तो आप दो कदम पीछे भी लेकर के चलने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यदि अभिमान नहीं है तो यहाँ शनि की उंगली के साथ चुपका होना भी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत, व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है, परिवार को साथ लेकर के चलता है, बहन भाइयों के साथ भी व्यक्ति के संबंध अच्छे होते हैं, यानी पैतृक संपत्ति का कोई झगड़ा नहीं। कुल मिलाकर के शनि की उंगली की बात करता हूँ। थंगली की उंगली है, थोड़ा सा यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ शनि की उंगली थोड़ा अपने आप में हल्का सा टर्न लेकर के चली है, यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया 7.5 में कोई विशेष ज़्यादा परेशानी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत समस्याओं का सामना आ सकता है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं आपके सीधे सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और शनि की उंगली पर चढ़ने के लिए बेकरार, यानी कि आप अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल जब करेंगे, यानी कि गलत इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको काफ़ी यानी कि शनि का दंड भी भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार जब उंगली चढ़ जाती है तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़े, कहीं किसी बदनामी का सामना ना करना पड़े, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये उंगली वर्तमान में यहाँ पर चढ़ी हुई है। और कुल मिलाकर छोटे बड़े लोगों को सबको साथ लेकर के चलते हैं और यहाँ अपने आप में ठीक है बाकी सब चीज़। अब बात करता हूँ यहाँ आपके बुध पर्व के पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर जब ये खड़ी रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर उसको संतान का सुख सहयोग प्राप्त होता है। साथ ही साथ धन के आगमन जब तक निरंतर रूप से बने रहते हैं तो ये रेखाएं निर्मूल रूप से यहाँ पर आपके हाथ के अंदर खड़ी रहती हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखाएँ प्राप्त हैं आपको। अब बात करूँगा मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व जहाँ एक दूसरे को काट करके रेखाएँ चल रही हैं, जब इस प्रकार की रेखाएँ एक दूसरे को काट करके चलें तो ये कई चीज़ों के लिए अशुभ भी मानी जाती है। यदि यहाँ पर अच्छे उपक्रम के द्वारा, अच्छी फैक्ट्री, अच्छी योजना, अच्छी कंपनियों के द्वारा धन लाभ को दिखलाती हैं तो साथ ही साथ यहाँ इस बात के भी संकेत काफ़ी कुछ मौजूद हैं कि आपकी गलती के कारण आपको कोई बदनामी का सामना ना करना पड़ जाए, तो उसमें आपको सावधान रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके एक और पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व। ये पर्व आपके पास बहुत अनुकूलता के साथ है। यदि इसमें से देखें तो कुल मिलाकर के ये रेखा जो टेढ़ी जा रही है, ये तो रेखा है कि आपके बड़े बड़े अधिकारियों से संपर्क पड़े रहते हैं, और ये रेखाएं जो खड़ी हुई जा रही हैं ये इस बात को दर्शाती हैं कि आपके पास धन के आगमन आपके 55 वर्ष के उम्र के बाद भी बहुत अच्छे स्थिति में रहने वाले हैं। अब बात करूँगा मैं आपके यहाँ पर सीधा बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व और बृहस्पति पर्व से काफ़ी कच्च रेखाएँ जहाँ खड़े रूप से खड़ी हैं तो वहीं सीधे सीधे धन के पर्व को भी देखने वाली रेखा है। इसमें तो दिखलाई नहीं पड़ रही है, लेकिन दूसरे हाथ में दोनों तरह से रेखाएं दिखलाई पड़ती हैं, जो आड़ी भी जा रही हैं और जो खड़ी हुई रेखा भी है, यानी कि धर्म के कार्यों में भी भाग लेना और साथ ही साथ दिवा की योजना के द्वारा धन प्राप्त करना, और जब ये ब्रैकेट्स बन जाते हैं तो व्यक्ति के पास संपत्ति भी कम से कम दो तो जरूर ही होती है। तो यहाँ इस प्रकार की यहाँ पर कुल मिलाकर के संकेत दिख रहे हैं आपके हाथ में। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ हृदय रेखा को देखूँ तो देखिए, जब यहाँ से रेखा निकल करके कोई हृदय रेखा पर इस तरीके से नीचे गिर जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर मांगलिक होता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ इस रेखा का संपर्क और साथ ही साथ 1, 2, 3 यहाँ पर क्रॉस का क्रॉसों की मौजूदगी, यानी मस्तिष्क रेखा के अंदर और यहाँ जाके हृदय रेखा के साथ ये मिलने वाली रेखाएँ पत्नी के साथ संबंधों को टकराव की स्थिति में ले जा सकती हैं गहनता के साथ में। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ चाहिए, क्योंकि ये निशान अगर यहाँ आए हैं तो ये पत्नी से टकराव के
लिए बहुत अशुभ रूप में माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर इन बातों का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल का प्रथम पर्व और यहाँ पर निकलने वाली रेखाएँ, इन रेखाओं को से निकल करके और बहुत सारी रेखाएँ शनि पर्वत पर जा रही हैं, यानी व्यक्ति पुलिस से भी संबंधित हो सकता है, व्यक्ति टेक्निकल कार्यों से संबंधित हो सकता है, व्यक्ति इंजीनियर हो सकता है। तो यहाँ कुल मिलाकर के यहाँ टेक्निकल संबंध काफ़ी, दूसरे हाथ में तो बहुत सारी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, यानी इनका संबंध काफ़ी कुछ बन रहा है मंगल पर्व से निकल करके शनि पर्व के संबंध, यानी आपकी मेहनत के द्वारा धन के आगमन प्राप्त करने की ये बहुत ही शक्तिपुंज रेखाएं आपके पास हैं, यानी योजनाओं में धन 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 बहुत कुछ धन प्राप्ति करने के योग यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति मैंने कई बार जमीन के कार्यों से भी लाभ उठाता देखा है। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल की। द्वितीय मंगल पर देखें तो आपकी बुद्धि रेखा का संबंध बिल्कुल द्वितीय मंगल से बन गया। जब द्वितीय मंगल से बुद्धि रेखा का संबंध बनता है तो व्यक्ति सरकारी योजनाओं के द्वारा लाभ प्राप्त करता है। यहाँ पर अगर देखें और द्वितीय मंगल पर्वत कुछ थोड़ा सा एक पर्वत ये रेखा पहुँच गई, तो यानी कि मंगल से संबंधित कार्यों के द्वारा जीवन के अंदर लाभ प्राप्त करना, और जब ये छोटा सा यहाँ पर एक कट आ जाता है तो थोड़ा सा दिमाग पर नियंत्रण रखना चाहिए, कोई मुकदमा झगड़े झंझट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति दिखलाने वाली आपके पास ऊपर की रेखाओं के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं हम आपके पास नीचे आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत पर जब इस प्रकार के यहाँ से निकल करके रेखाओं का संबंध और जाकर के सीधा रेखा घुस जाए शुक्र पर्व के अंदर पर, तो दूर स्थानों से जहाँ व्यक्ति धन लाभ प्राप्त करता है, तो साथ ही साथ यहाँ एक बात का संकेत और भी है। महिला कर्मी से मित्रता करना चाहता हूँ, होंगी या नहीं? देखिए वो तो मुझको पता नहीं होंगी या नहीं, लेकिन ये बात निश्चित रूप से दिखलाई पड़ती है कि आपका संबंध महिला अदर महिला से संबंध को दर्शाने वाली रेखा यहाँ पर पूरी तरीके से विराजमान है। तो यहाँ अदर महिलाओं से संबंध के लिए वो रेखा यहाँ है। ऊपर मैंने क्रॉस को बताया तो सावधानी बतलें, बदनामी का सामना ना करना पड़ जाए। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूँ सीधा सीधा आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा आपके पास नहीं है, ये जो रेखाएँ हैं इनको रोग की रेखा कह सकते हैं आप। एक दूसरे को काटने वाली रेखा है रोग की रेखा, और ऊपर जो क्रॉस है जहाँ मैं गड़बड़ बताया था, ये कहीं ऐसा हो कि किसी को धन दे दें और वो धन का नुकसान हो जाए आपको, या आपको कर्ज का सामना करना पड़े। तो यहाँ दो चीज़ों का विशेष आपको ध्यान करना है कि कोई धन आपका लूट ना ले, या किसी पर आप खामोखा खर्च ना कर दें, और साथ ही साथ रोग की रेखाएँ भी आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं, यानी कि रोग से भी आपको विशेष रूप से, इस समय दशा चल रही है उससे भी विशेष रूप से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा बहुत ही अनुकूलता के साथ में आपकी भाग्य रेखा यहाँ आपके हाथ के अंदर सीधी सीधी, बिल्कुल अगर मैं कहूँ तो ये बिल्कुल परिवार से आप मजबूत हैं, परिवार का सहयोग है, और ये भाग्य रेखा यानी एक ही तरह के कार्य के अंदर आपकी जीवन शैली काफ़ी तक, बल्कि नौकरी के बाद भी आप उसी कार्य से संबंधित अपने काम को करेंगे और उसमें भी धन की प्राप्ति करते रहेंगे। तो धन जैसी समस्या तो आपके हाथ के अंदर कहीं पर भी नहीं दिखलाई दी। चलिए अब मैं कुछ सवालों को लेता हूँ। वर्तमान में गृह जिले में हूँ, घर के पास ट्रांसफ़र या कब होगा ट्रांसफ़र? अगर मैं दूसरी रेखाओं में दिखला हूँ, दूसरे हाथ में देख लेता हूँ, तो यहाँ अभी मुझे वो डाउन रेखा कुछ बनी नहीं है। तो जब हाथ के अंदर जब वो रेखा अभी बनी नहीं है तो इसलिए उससे पता भी नहीं लग सकता कि आपके घर वापसी का योग कब है। तो यहाँ उस तरह का कोई भी संकेत अभी हाथ की रेखा के अंदर नहीं आया है। कुछ ये रेखा अगर यहाँ थोड़ा सा, यहाँ तो नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी वो रेखा के अंदर बना नहीं है केवल। तो ये जब बनेगा जब वो रेखा दिखलाई देगी। कार्य बदलना चाहते हैं, घर पर साड़ियों का छोटा सा काम है, पत्नी संभालती है, ये तो पत्नी के हाथ से पता चलेगा कि उनके हाथ में व्यापार है या नहीं है, व्यापार से उनको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या उनकी जन्मपत्री हो तो उसके द्वारा, तो ये कुछ हो तो मुझे आप मेरे पास आपको बता सकता हूँ। आपने कहा राजनीतिक कार्यों में से मैं सफलता, बिल्कुल नहीं, राजनीतिक कार्यों में कहीं से कहीं तक कोई सफलता नहीं है।
हाँ बिल्कुल, सामाजिक कार्यों में आपको सफलता जरूर है, सामाजिक कार्यों में आपका नाम जरूर हो जाएगा आपका, लेकिन राजनीति कार्यों से धन कमाने की इच्छा नहीं, लोग जान जाएंगे वो बात दिखती है। कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी? आपने कहा कि कौन से क्षेत्र में सफलता मिलेगी, आपको सिर्फ सफलता मिलेगी टेक्निकल कार्यों में, मैकेनिकल कार्यों में, जमीन के कार्यों में, राज्य सरकार के कोई दलाली के कार्यों में, इलेक्ट्रिक के कार्यों में, अग्नि के कार्यों में, इस तरह की रेखाएं आपके हाथ के अंदर हैं, तो उन क्षेत्रों से आपको लाभ के संकेत निश्चित रूप से मिलेंगे। स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब बताता हूँ आपको शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर शुक्र पर्व देखता हूँ तो ठीक ठाक सामान्य स्थिति है आपके पास में, यानी आपके पास जो जीवन की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपके पास में मौजूद है। संतान की रेखा देखते हैं, आपके हाथ से तो 3 संतान दिखाई देती हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है, तो कुल मिलाकर संतान का सहयोग भी आपको प्राप्त है। सारी चीज़ें देखी, कुल मिलाकर सारा अच्छे सब देखी, मुझे सबसे ज़्यादा अगर चिंता है तो वो सिर्फ आपके रोग की, और थोड़ा सा कोई बदनामी का सामना ना करना पड़ जाए, या कोई आपका धन ना लूट जाए, या थोड़ा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, ये चीज़ है। इनको ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के अंतर्गत आपका सब कुछ अनुकूलता से चलता रहे, तो बहुत ज़्यादा आपकी दशा खराब नहीं है, आपको तो स्वयं पर नियंत्रण करना है बस, ये समझ लीजिए। तो अच्छा खान पान रखें, शरीर की देखभाल रखें, साथ ही साथ रोजाना पूजा में हनुमान अष्टक पढ़ें, रुद्राष्टकम पढ़ें, और एक बेहतरीन सा यहाँ पर पुखराज धारण कर लें, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मुझसे मंगा सकते हैं। तो यहाँ बस इतना करिए और अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों पर चढ़िए। नमस्कार।